तो नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ मैं DRDO MTS 2021 के बारे में। आज बात करने वाला हूँ आपको, बता दी यहाँ पे 2019 में जो कि आपकी फॉर्म भरे गए थे ये MTS के DRDO के, तो उसकी यहाँ पे जो कि अभी तक जो कि एग्ज़ाम यहाँ पे कोई भी डेट नहीं बताई गई, तो उसके पर कोई न्यू अपडेट आया है या नहीं, तो उसके बारे में आज यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई भी अपडेट आई है तो वो क्या रहने वाली है, तो ये सब आज यहाँ पे वीडियो में जल्दी से बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बैक रहती हूँ इसकी, तो अब बात करें यहाँ पे जो कि 2019 में ये आपके यहाँ पे फॉर्म फिल हुए थे, तो मैं बात करें यहाँ पे टोटल वैकेंसी की, तो ये जो कि पोस्ट की, तो ये 1817 यहाँ पे जो कि पोस्ट रही थी आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कि आपका रहता है। तो अब बात करें जो कि यहाँ पे सेकेंड आपके जो कि दो जो कि सिलेक्शन प्रोसेस रहनी थी, जैसे कि एक TIR फर्स्ट और TIR 2, तो ये आपके दो एग्ज़ाम यहाँ पे रहने थे, तो उसके साथ जो कि फाइनल ये सिलेक्शन प्रोसेस रहनी थी। तो मैं बात करें यहाँ पे अब एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम यहाँ पे बात करें जो कि अभी यहाँ पे बताया जा रहा था, वो यहाँ पे दिसंबर 2021 बताया जा रहा था, जिसकी एक्सपेक्टेड जो कि डेट यहाँ पे बताई जा रही है, तो वो यहाँ पे 2021 बताई जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि दिसंबर 2021 को ये जो कि एक्सपेक्टेड डेट डाली गई है, तो ये भी यहाँ पे मैं बात करूँ ये कंफर्म नहीं की जा सकती है कि आपका यहाँ पे एग्ज़ाम दिसंबर को ही होगा, तो ये अभी आगे भी हो सकती है कि ये अब तक यहाँ पे कोई उनको ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो उससे पहले यहाँ पे हम भी जो कि कंफर्म नहीं कह सकते है कि आपके यहाँ पे दिसंबर में ही हो गया एग्ज़ाम। तो जैसे कि मैं बात करूँ अगर आपका यहाँ पे कोई भी न्यू अपडेट आता है DRDO का, तो उसके यहाँ पे कभी भी कोई अपडेट आएगा तो मैं इस वीडियो जैसे कि इस चैनल के थ्रू आपको यहाँ पे कोई भी न्यू सूचना यहाँ पे DRDO की MTS की आती है तो मैं यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो अब बात करें यहाँ पे जो कि, तो दोस्तों बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो यहाँ पे जो कि MTS जो कि आपका यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा, तो फर्स्टली बात करें जो कि आपका ये TIR फर्स्ट में यहाँ पे जो कि ये आपका एग्ज़ाम रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी आपकी रहेगी 35 मार्क्स की, और इसके बाद यहाँ पे बात करें क्वालिटेटिव एटीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी यहाँ पे रहेगी 35 मार्क्स की, तो इसके बाद यहाँ पे बात करें जनरल अवेयरनेस ये आपकी यहाँ पे 30 मार्क्स की रहेगी, तो टोटल आपके यहाँ पे जो कि 100 मार्क्स रहते हैं। तो ये आपके यहाँ पे ये तीन जो कि चैप्टर जिसकी इसे सिलेबस रहेगा, तो 90 मिनट का आपके यहाँ पे टाइम रहता है और जो कि 100 नंबर का आपके ये पेपर रहता है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप उसी तरह की ये तैयारी कर सकते हो जिसकी फर्स्ट की यहाँ पे एग्ज़ाम की। और सेकंड एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें यहाँ पे जनरल साइंस रहेगी और जनरल मैथ रहेगा, और जो कि इसके बाद यहाँ पे जनरल इंग्लिश रहेगी, तो जनरल साइंस आपकी 40 नंबर की रहेगी और जनरल मैथ आपका यहाँ पे 40 नंबर का और जनरल इंग्लिश 20 नंबर की, टोटल आपके यहाँ पे 100 ही रहते हैं। और इसके बाद बात करें पे 90 मिनट आपके यहाँ पे जो कि ये टाइम रहता है और जो कि 100 मार्क्स आपका ये टोटल रहेगा। तो ये थी आज की जानकारी, और आपको इस तरह के न्यू अपडेट चाहिए होंगे जैसे कि यहाँ पे DRDO का न्यू अपडेट जानने के लिए इस चैनल को आपको यहाँ पे किंगस्टर SR को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।